क्या मैच हुआ है यार इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच। कौन कह रहा था कि एक्साइटिंग नहीं होगा, इससे ज्यादा क्या एक्साइटमेंट चाहिए तुम्हें बताओ ना। मैच कहाँ आ रहा है किसी को नहीं पता है, सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई मैच कहाँ आ रहा है। कोई कह रहा है डीडी स्पोर्ट्स में आ रहा है, डीडी स्पोर्ट्स में खोल के देखा तो वहाँ हॉकी चल रहा है। स्टार स्पोर्ट्स वाले इंडिया और न्यूजीलैंड का कोई पुराना ही ओडीआई मैच दिखा के चुतिया बना रहे हैं। पूरे मैच में न्यूजीलैंड के बॉलर्स की कुटाई होने के बाद आखिरी में टीम साउदी हैट्रिक ले जा रहे हैं। मतलब जो ये मैच हुआ ना, फुल ऑन एंटरटेनमेंट है यार। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, Amazon Prime का सब्सक्रिप्शन दो दिन के लिए कौन लेगा यार। खैर मैंने तो लिया है क्योंकि मैच देख रहा था मैं। तो चलो इस मैच का रिव्यू करते हैं, जहां पर को मैं बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने बेस्ट नंबर वन में रखा है सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स को। भाई इस बंदे के लिए तुम फील्डर लगाओगे कहाँ, तुम यहाँ फील्डिंग लगाओगे वो दूसरी तरफ मार देगा यार। व्हाट अ प्लेयर भाई, गॉड यार। मतलब मैं तो ये भी कहूंगा कि जो सूर्य कुमार यादव है ना, वो इंडिया का प्रॉपर T20 बैट्समैन है, पहला प्रॉपर T20 बैट्समैन है। बताए क्या एंटरटेनिंग नॉक खेली यार। मतलब पहले आराम से खेला था, लेकिन उसके बाद इसने लोकी फर्ग्यूसन को जो भूत बनाया, टीम साउदी को जो भूत बनाया है ना भाई को, मतलब लोकी फर्ग्यूसन को क्या सोच के लिया होगा केकेआर ने। लेकिन मैं आपको ना इंडियन बैटिंग लाइनअप में सूर्य कुमार यादव की इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सूर्य कुमार यादव ने 51 बॉलों में 111 रन बनाए, बाकी के जितने भी प्लेयर्स है ना, उन लोगों ने 68 बॉल्स में 69 रन बनाए। ये रियलिटी है पता है हमारी इंडियन टीम की, कि अगर सूर्य कुमार यादव को इस बैटिंग लाइनअप से तुम अलग कर दोगे ना, ये जो टीम है बहुत ही नॉर्मल लगती है। और मतलब एक बात मेरी ये समझ में नहीं आई कि जो ये हार्दिक पंड्या था, दीपक हुड्डा था, या फिर जो वॉशिंगटन सुंदर था, ये लास्ट ओवर में क्यों हीरो बन रहे थे। सूर्य कुमार यादव मतलब दूसरी तरफ है भाई, एक रन ले लो उसे स्ट्राइक में ले आओ। नहीं भाई, इन लोगों को मतलब मारने की पड़ी है, जो आ रहा है मारने के माइंडसेट से आ रहा है और मारने के चक्कर में आउट हो जा रहा है। अब मैंने वर्स्ट मूवमेंट नंबर वन में रखा है हमारे ओपनिंग प्लेयर को। भाई क्या सोच के हमने ऋषभ पंत और ईशान किशन से ओपनिंग करवाई। मतलब संजू सैमसन इस टीम में क्यों नहीं था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। दो लेफ्ट हैंडर से ओपनिंग क्यों करा रहे हैं हम, जब हमारे पास संजू सैमसन जैसा प्लेयर है। दीपक हुड्डा को संजू सैमसन से पहले क्यों लिया गया, उमरान मलिक को क्यों नहीं लिया गया। मतलब जो न्यूजीलैंड है ना, वहां पर को पेस और बाउंस थी, तो बहुत अच्छा मौका नहीं होता हमारे पास कि उमरान मलिक को खिलाते, टेस्ट करवाते उसको। लेकिन वही मतलब जो हमारी ओल्ड मेंटेलिटी थी ना, वही आज इस मैच में भी देखने को मिली। और मैं तो संजू सैमसन को जो इन्होंने नहीं खिलाया ना, उससे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। मेरे अकॉर्डिंग या तो दीपक हुड्डा को इस टीम में नहीं होना चाहिए था, या फिर जो हमारे ओपनर्स थे ना, उनमें से एक को नहीं खिला के संजू सैमसन से ओपनिंग करवानी चाहिए थी, ये मेरा मानना है। देख लो भाई तुम ऋषभ पंत को, भाई ये बंदा मतलब क्या कर रहे हैं इसका, मतलब अब कितनी हाइप बनवाए इसकी कि इसको खिलाओ कि इसको खिलाओ। मुझे ये लग रहा है ना, अगर संजू सैमसन इसकी वजह से टीम में नहीं है ना, तो ऋषभ पंत इस टीम में होना डिजर्व नहीं करता है। इतने और चांसेस दोगे इस बंदे को T20 में, भाई 60 से ज्यादा मैचेस हो गए हैं ना ये मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है। आज हमने इसको ओपनिंग में भी देख लिया, जहां पर कोई ऐसा छटपटा रहा था क्या बताऊं मैं तुम्हें। दूसरा वो ईशान किशन हो गया, लग रहा था कि मतलब बंदा अच्छा खेल रहा है करके, लेकिन भाई की जो इनिंग्स थी वो 36 बॉलों में 31 रन वाली थी। पावर प्ले का यूज करना था हम लोगों को, किया कि हमने पावर प्ले का यूज बिल्कुल नहीं किया यार। क्या फायदा हुआ केएल राहुल और रोहित शर्मा को हटाने का, जब तुम्हें ऐसा ही खेलना है तो यार। मतलब जो ये टीम मैनेजमेंट है ना, इन्होंने सही बता रहा हूँ, पूरा सत्यानाश कर दिया है। राहुल द्रविड़ हो या फिर VVS लक्ष्मण हो, ये सब एक ही है यार भाई गॉड। अब मैं बेस्ट मूवमेंट नंबर टू के बारे में बात करूंगा, जहां पर को मैंने रखा है अपने बोलर्स को। भाई क्या बोलिंग कराई यार पावर प्ले में, भुवनेश्वर कुमार ने जो 3 ओवर डाले, व्हाट अ बोलिंग। मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बोलिंग कराई, अर्शदीप भले ही पहले ओवर में पिट गया। युजवेंद्र चहल, जिसे T20 वर्ल्ड कप में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, उसने दिखाया भाई कि क्यों उसे क्यों नहीं खिलाया। अब मैं वर्स्ट मूवमेंट नंबर 2 के बारे में बात करूंगा, जहां पर को मैंने रखा है न्यूजीलैंड की बैटिंग को, स्पेशली केन विलियमसन को। भाई ये बंदा T20 क्यों खेल रहा है, T20 वर्ल्ड कप के बाद इसको शर्म नहीं आ रही अभी भी ये खेल रहा है, इसने संन्यास ले लेना चाहिए भाई। ही इज द मोस्ट ओवर रेटेड प्लेयर इन T20 भाई। मतलब यार ये जो बंदा है ना, सेम इनिंग्स हर मैच में खेलते जा रहा है, इररिस्पेक्टिव की फॉर्मेट क्या है। भाई मैं भी मानता हूं यार ये टेस्ट और ओडीआई में बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन यार T20 में ऐसे नहीं खेला जाता है भाई। 200 का रन चेज है, रन अ बॉल खेल रहा है यार ये। अब यार मैं श्रेयस अय्यर को बेस्ट में डालूं वर्स्ट में डालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मतलब यार श्रेयस अय्यर में ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये बंदा स्पिन के खिलाफ जितना अच्छा बैट्समैन है, पेस बॉलिंग के खिलाफ उतना ही बेकार बैट्समैन है यार। मतलब देख लो ना, आज सबको पता था इसकी जो कमजोरी है वो शॉर्ट बॉल है, क्योंकि फर्ग्यूसन आया और पहली बॉल में आउट हो गया। मतलब इतना पीछे चले गया है उसको, मतलब खेलने के लिए हिट विकेट हो गया। तो यार श्रेयस अय्यर अच्छा करे मैं भी चाहता हूं, लेकिन श्रेयस अय्यर को ना शॉर्ट बॉल का सोल्यूशन बहुत ही जल्दी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स बाहर बैठ रहे हैं। तो यार यही है आज का रिव्यू, होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना।